आज मैं पर्सनली अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो चीज़ हमने ऑर्डर की थी, जो हमें पिक्चर में दिखाया गया था, वो हमें मिलता है या नहीं मिलता। लेट्स ओपन इट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आपका भाई एकदम जबरदस्त शानदार। आई होप सो कि एवरीथिंग विल बी फाइन और आप अपनी जिंदगी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आप सबको एक नई वीडियो में वेलकम हो गया। भाई आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। आज मैं पर्सनली अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने एक चीज परसों ऑर्डर की थी, तो आज सुबह मुझे मैसेज आया कि आपका पार्सल जो है एक्सप्रेस सेंटर पे पहुँच चुका है। तो अभी 12:30 हो रहे हैं, तो चलता हूँ वो पार्सल उठाऊँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि जो चीज़ें हम यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, क्या हमें वही चीज़ें मिलती हैं जो पिक्चर में दिखाई हुई होती हैं, या जैसा कि पाकिस्तान में कंसेप्ट है कि आपको जो ऑनलाइन चीज़ मंगवाएंगे वो कभी भी आपको जो पिक्चर में दिखाई गई चीज़ होती है वो नहीं मिलती। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस एक्सपीरियंस। आज मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे क्या मिलता है और मैंने क्या ऑर्डर किया था, और उसके साथ मैं आपको डिलीवरी का प्रोसेस भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे और पाकिस्तान में थोड़ा डिलीवरी का ये फ़र्क है कि वहाँ पे जो है आपकी डोर डिलीवरी होती है, यहाँ पे एक्सप्रेस सेंटर बने हुए होते हैं और वहाँ पर जो है आपको जाना पड़ता है, वहाँ से अपनी ख्वाहिती यानी कि पार्सल उठाना पड़ता है। तो सिंपली ये हमें जो है जो वो स्कैन करके हमें कोड भेज देते हैं जब पार्सल इनके पास आता है। तो हमारे पास जब वो मैसेज आ जाता है कोड का, फिर हम वो कोड लेके जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कौन से शेल्फ में हमारा जो है पार्सल वहाँ पे मौजूद है, वो हम पिक करते हैं, उसके बाद स्कैन करते हैं, तो फिर हम जो है वो उस पार्सल को लेके आ जाते हैं। तो ये सिंपली प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस भी आज आपके साथ शेयर करता हूँ और अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मेरी डॉर्मेट्री से तकरीबन 500 मीटर के फासले पे एक्सप्रेस सेंटर है, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे पहुँच के आपको मिलता हूँ और सारा प्रोसीजर भी बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है, सख्त वाली धूप, चुभने वाली धूप है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट आज जा रहा है कोई 35 डिग्री, तो 35 डिग्री पे हमारी जो है वो यहाँ पे बस हो जाती है। ये हमारी कैंटीन का एरिया है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये जो नेक्स्ट बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये एक्सप्रेस सेंटर है। ऑलमोस्ट वी आर हेयर, ये जी एक्सप्रेस सेंटर, और ये देख लें जी आपको पार्सल ही पार्सल नज़र आएंगे यहाँ पे। ये बंदा स्कैन कर रहा है और जब ये स्कैन करता है तो हमें फिर कोड आ जाता है कि आपका पार्सल यहाँ पे पहुँच गया है। तो बेसिकली ये यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 5181, और ये यहाँ पे जो है वो रैक्स वगैरह लगे हुए, और यहाँ पे इनके नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। ये 191 जैसे हो गया, ये 91 हो गया। अब जो 91 की सीरीज सारी होगी वो इस रैक में होगी, और 191 की जो होगी वो इसमें होगी, और 41 की जो होगी वो इसमें होगी। अब जैसे ये 21 की सीरीज़ है, अब मेरा पार्सल भी इसी एक रैक में है, तो मैंने नंबर देख लिया, अब उसको मैं ट्रेस आउट करता हूँ तो पार्सल लेके फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये अब सारी सीरीज़ जो है वो 2 की चल रही है, तो यहाँ पे मेरा है जी 216278। ये है जी मेरा पार्सल। तो ये अब मैंने पार्सल कलेक्ट कर लिया है, इसके बाद हम वो सामने जो है वो वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, वहाँ पे स्कैन करेंगे हम अपनी ख्वाहिती यानी कि पार्सल, और फिर हम लेके जा सकते हैं। और जब हम स्कैन करेंगे तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपने ये चीज़ रिसीव कर ली है। ये देखें जी, मैंने पार्सल करेक्ट कर लिया है, और अब वापस मैं जो है वो रूम की तरफ चलता हूँ। रूम में जाके इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने जो ऑर्डर किया था हमें वही चीज़ मिली है या नहीं। लें जी दोस्तों, पार्सल लेके मैं रूम में पहुँच चुका हूँ, अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। लेट्स अनबॉक्स इट। नाम पढ़ के आपको पता चल गया होगा जी ये क्या चीज़ है।
मैंने जो है ये शूज़ मंगवाए थे, ये परसों मैंने ऑर्डर किया था और मुझे रिसीव हुए, तो अभी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो चीज़ हमने ऑर्डर की थी, जो हमें पिक्चर में दिखाया गया था, वो हमें मिलता है या नहीं मिलता। लेट्स ओपन इट। ये देखें जी, माशाल्लाह। सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाती है जी ये रेसिपी है, और इस पर प्राइस वगैरह लिखी हुई है, ये हांगकॉन्ग डॉलर्स में लिखी हुई है 899। इसको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर जो है वो आरएमबी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आरएमबी को कन्वर्ट करेंगे तो 43.0 का चल रहा है। तो ये यहाँ पे कार्ड मिल जाता है जी पॉइजोन का, और लेट्स सी जी कि हमें क्या चीज़ मिली है। 1 2 3 ओपन। माशाल्लाह। यहाँ पे मैं पिक्चर भी लगाऊंगा जी जो दिखाई गई थी, तो माशाल्लाह जी बिल्कुल जैसा पिक्चर में दिखाया गया था शूज़ वैसा ही मुझे मिला है। तो अभी इसको पहनेंगे भी और फिर कंफर्ट लेवल इसका चेक करेंगे, लेकिन लुक वाइज इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी नाइस। ये देखें जी दोस्तों, मैंने पहन लिया और अब थोड़ा सा चल के भी देखते हैं तो बताते हैं आपको जी। माशाल्लाह यार बहुत लाइट है और कंफर्ट लेवल जो है इसका ज़बरदस्त है। पहले भी मैंने नाइकी के पहने शूज़, लेकिन इसका जो है वो कंफर्ट लेवल कमाल का ही है, तो 10 out of 10। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा कि जो चीज़ पिक्चर में दिखाई गई थी वही चीज़ हमें मिली है, तो वी आर 100% श्योर नाउ कि चाइना की ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कमाल है और वो वर्थ इट है। सो यू कैन डू। ये थी जी आज की प्यारी सी वीडियो जिसमें मैंने अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, लिहाजा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यार जो रेड बटन नज़र आ रहा होगा उसको मार दो, ठप्पा मार दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।